बिलासपुर जिले के ऐतिहासिक मंदिर रतनपुर में मां महामाया के दर्शन के बाद छत्तीसगढ़ भवन में पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार को घेरा। कहा, कोई शहर ऐसा नहीं है कि जहां अपराध ना बढ़ा हो। 10 महीने की सरकार विष्णु का सुशासन हुआ तार तार। प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रहे हैं अपराध। हरियाणा चुनाव परिणाम पर बोले भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के ट्रेड एक जैसे दिखे। बैलेट में आगे थे लेकिन ईवीएम में पिछड़े। भूपेश ने चुनाव परिणाम पर जताया संदेह। कहा, पूरा खेल ईवीएम का है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ईवीएम को लेकर शंका बनी रहे इसलिए हर जगह ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जाती है। लोहरीडीह घटना पर बोले भूपेश, पुलिस चाहती तो घटना को रोक सकती थी लेकिन रोका नहीं। आनंद फानन में घटनाक्रम को दबाया गया। सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों की जान को हल्के में लिया जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री, गृह मंत्री 167 लोगों की मृत्यु दंड दिलाना चाह रही है? पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बेटे के खिलाफ जांच पुलिसिया कार्रवाई को लेकर कहा, रमन सिंह सीएम थे तब से मैं टारगेट में हूं। सरकार में रहे तब भी ईडी आईटी सीबीआई की कार्रवाई की गई। मेरे परिवार वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पूर्व सीएम ने कहा, अधिकारी फोन नहीं उठाते, हमें मीडिया के जरिए बातें पता चलती है। निगम चुनाव को लेकर सरकार की नीति अस्पष्ट। नक्सलियों का 2026 तक खत्म होने पर कहा, हम भी चाहते हैं नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। बीजेपी नेता कई बार कह चुके हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फर्जी एनकाउंटर कर ग्रामीण आदिवासियों को मारा जा रहा है। एक आदमी के कथन के आधार पर 167 लोग कैसे पहचान लेगा? यदि यहीं बैठे हैं और यदि मैं प्रमोद को बोलूं, रश्मि बोलूं कि इतने कमरे में कितने लोग हैं बताओ, अभी पूछ दूंगा तो सबके नाम नहीं बता पाएगा। वो एक व्यक्ति 167 लोगों का नाम बताया और सबको आरोपी बना दिया बिना विवेचना। सरकार तो पहले मान भी ली कि भाई इसी कारण से 2 IPS एक IAS को वहाँ से हटाया गया, एक सस्पेंड किया गया। सरकार तो पहले ही मान चुकी है कि गलत हुआ है, तो विवेचना पहले कराएंगे क्या? सरकार ये बताए सही विवेचना हो, जो रघुनाथ के अपराधी जो आरोपी हैं, रघुनाथ की जो उन्होंने हत्या की उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको भी न्याय मिले। लेकिन शिव प्रसाद साहू की जो जिसको तथाकथित आत्महत्या कर रहे हैं उसकी जांच कराएंगे क्या? क्योंकि उसके पूरे परिवार बोल रहे हैं कि हत्या है, आत्महत्या नहीं है। और तीसरा प्रशांत साहू जिसको पुलिस कस्टडी में जिसकी मौत हुई है उसके खिलाफ क्या अपराध पंजीबद्ध किए हैं, क्या केस किए हैं? कोई न सरकार की तरफ से कोई बयान आ रहा है, न अधिकारियों की तरफ से कोई बयान आ रहा है। तो क्या है, शासन प्रशासन सारे मिल के 167 लोगों को सीधा उसमें मतलब दो दो बार 103-1 में और 103-2 में, दोनों में उम्र कैद और मृत्यु दंड के प्रावधान है। इतने गंभीर धाराएं लगी है और सरकार इतने हल्के में ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों की जान कितने हल्के में ले रहे हैं, ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात है। आप लोगों की तरफ से बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।